हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। और आज कोई डेली ब्लॉग नहीं, आज सोच रही हूँ कुछ अलग कुछ शेयर किया जाए। तो मेरा 10th मैरिज एनिवर्सरी का एक एल्बम है, सोच रही हूँ वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसे फ्री वेडिंग होता है, मतलब फ्री वेडिंग फ़ोटोशूट, तो उस टाइप का हम लोग भी फ़ोटो वोटो खिंचाए थे, फोटोग्राफर को बुला के पार्क में जाके, और पार्टी का भी कुछ कुछ फ़ोटो है। तो डेली ब्लॉग देख देख के आई थिंक आप लोगों को भी बोर लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ डिफरेंट कुछ शेयर करके। तो चलो, और ज़्यादा बकबक नहीं करते, एकदम मतलब दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये है वो एल्बम। तो एक बैग दिया है, ऐसे देखो जेब है, तो ऐसा एक बैग दिया है। और ये है पूरा एल्बम का। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बैक कैमरा करके मैं दिखाती हूँ, और पहले एल्बम दिखा देती हूँ कैसा है। और पीछे भी देखो ऐसे फोटो बना हुआ है, तो काफ़ी वेट भी है। तो चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। सो एल्बम देखो सामने की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे लिखा है वेडिंग एनिवर्सरी 26 जून 2018। तो ये है हमारा डेट एनिवर्सरी का, 26 जून। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिया है, ये वाला फ़ोटो भी घर में ही खींचे थे। और यहाँ पे लिखा है मानस वेड्स पारमिता। तो चलो और एक एक करके फोटो दिखाती हूँ। तो ये एक पेज है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है देख सकते हो। और ये जो पहनी हूँ देख रहे हो, तो ये पार्टी का ही था, पार्टी में पहने थे। मैं एक गाउन पहनी थी मैरून कलर का, और मानस एक कोट पहने थे नेवी ब्लू कलर के ऊपर, और येलो कलर का शर्ट पहने थे। तो इस पेज में देखो वही वाला फोटो है जो एकदम कवर फोटो में है। यहाँ पे भी एक फोटो है। तो जो फोटोग्राफर है वही ये सब पोज बता रहे थे और हम लोग कर रहे थे। और बाय द वे ये वाला जो साड़ी पहनी हो ना बेनारसी, ये भी मैरून कलर का ही है, तो रेड लग रहा है बट मैरून कलर के ऊपर है। तो ये वाला मेरे शादी का साड़ी है बेनारसी, वही मैं पहनी थी। और इस पेज में एक फोटो है देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये मोबाइल से ही खींचे थे सेल्फी करके। और इस पेज में है तो मेरे मम्मी पापा भी आए थे। तो ये मेरे पापा है, और ये मेरे माँ है, और ये तो रूपम, मतलब मामा ही बोलती हूँ उसको घर में, और हम दोनों एक फैमिली पिक है। यहाँ पे भी तीनों है, ये भी सेल्फी करके ही खींचे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये तो मामाई का फोटो है, मतलब जब पार्क में गए थे हम फोटो शूट के लिए, तो उसका भी फोटो खींचे थे। तो ऐसा है। और
और ये देखो, तो हम पार्क में जाके जब फोटो वोटो खींचे थे तो ऐसा ड्रेस था। ये भी एक गाउनी है पर सिफोन कपड़ा के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट एक ड्रेस है ये बोल सकते हो। और ऐसे ही मानस तो एक शर्ट पहने हैं ब्लू कलर के ऊपर और जीन्स वो भी ब्लू कलर के ऊपर। तो आप चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी वही पार्क का ही फोटो है। सेम फोटो है, ये थोड़ा छोटा है, सामने से खींचे है। ये भी सेम फोटो, मतलब थोड़ा सा अलग पोज करके। ये ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर है और ये तो वही कलरफुल। यहाँ पे भी तीनों का फोटो है। और यहाँ पे मामाई का एक फोटो है। और इस पेज पे भी है। तो ये हम ऐसे ही चल रहे थे तो फोटोग्राफर बोला था तो हम फोटो खींच लेंगे, तो ये फोटो मुझे मतलब अच्छा लगा बहुत। ऊपर की तरफ ब्लैक एंड व्हाइट करके। और यहाँ पे कलरफुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट करके, बट ये वाला जो पोज है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे एक, तो ये वाला फोटो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फोटो भी काफी अच्छा लगा था मुझे। ये सिंगल सिंगल करके लिया था एक एक फोटो। तो आप आ जाते हैं एनिवर्सरी नाइट का। तो हम एक होटल बुक किए थे और तो ऐसा केक था, देख सकते हो, रेड वेलवेट का केक बनवाए थे। तो ऐसा कुछ डेकोरेशन हुआ था सिंपल सा ही। Thank you.
और ये वाला पेज पूरा यही वाला फोटो है बड़ा करके। तो ये मेरे एक फ्रेंड है, मतलब ऑफिस कॉलीग ही है, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, अभी भी बात करते हैं हम लोग। इसका नाम पूजा है और ये उसका बेटी, तो मेरे मम्मी की गोदी में। यहाँ पे भी सिंगल सिंगल दो फोटो और एक साथ। तो बाय द वे उस दिन पार्लर से मैं मेकअप करवाई थी, बट एकदम अच्छा नहीं किए थे तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। और ये तो केक कटिंग के टाइम। और ये जितना लोग आए थे सब लोग मिलके फोटो खींचे थे, ग्रुप फोटो बोल सकते हो। तो ऑफिस का जो जो कॉलीग था, मतलब ऑफिस स्टाफ, तो सब लोग आए थे। यहाँ पे भी केक कटिंग के टाइम। और ये तो मामाई का फोटो है। और यहाँ पे जितना ऑफिस स्टाफ है, मतलब जेंट्स लोग, तो सबका एक साथ एक फोटो। और मेरा मेहंदी का फोटो खींचे थे। अच्छा लगता है ना ऐसे मेहंदी पहन के फोटो खिंचवाना, हाथ का पूरा। तो ये पूरा प्रॉपर ड्रेस जो है, गाउन है मैरून कलर के ऊपर, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और ये तो मामाई का फोटो यहाँ पे दिया है। ये भी तीनों का एक फोटो। ओ मम्मी पापा का, यहाँ पे भी मम्मी पापा के साथ एक फोटो। और यहाँ पे भी अलग अलग करके सबके साथ फोटो खींचे थे, तो वही सब फोटो है। यहाँ पे भी वही सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये खाली है, इतना तक ही था। तो बैक में है ऐसा है फोटो। तो ये पीछे का कवर है। तो कैसा लगा जरूर बताना। सो एल्बम तो शेयर कर दी, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और डेली डेली ब्लॉग ना, मुझे भी खुद को लग रहा था कि एक जैसा लग रहा है, कुछ अलग मतलब शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी शायद बोर लग रहा होगा डेली ब्लॉग देख देख के, और इतना दिन तक वीडियो बना रही हूँ बट एल्बम कभी भी मैं शेयर नहीं की थी।
तो आज सोचा चलो क्यों ना ये वाला एल्बम शेयर किया जाए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। चलो ये वाला ब्लॉग अभी एंड करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ जो नए आ रही हो मेरे चैनल पे, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल बटन को भी ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियो दूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, और फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलो आ जाऊंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए टाटा।